दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर फैक्ट वाइज चैनल के बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था जिसमें बताया था कि मिस्टर फैक्ट वाइज जो है दोस्तों जो चैनल है इसमें इतना अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है कि कुछ दिनों में ही दोस्तों 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे और इस चैनल पर दोस्तों अभी 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इसमें जो शॉर्ट्स वीडियो डाले जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। कुछ मैंने टिप्स ट्रिक्स बताया था कि कैसे आप भी अपने शॉर्ट्स चैनल को जल्दी से ग्रो करा सकते हैं, कैसे आप वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपका चैनल जल्दी से ग्रो हो। लेकिन बहुत ही दुख की बात है दोस्तों कि इस चैनल का जो एक्सेस है अभी कोई और ले लिया गया है। मतलब एक तरफ से कहा जाए तो मिस्टर फैक्ट वाइज का जो चैनल है उसे हैक कर लिया गया है। तो दोस्तों अगर आप एक नया क्रिएटर हैं, अगर आप भी यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हैं तो आपको अब सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई करता है तो उसको आप दोस्तों तो कैसे रोक सकते हैं, अपने चैनल को सही से आप कैसे जो है सिक्योर कर सकते हैं, क्या गलती आपको नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप जान लीजिए मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं AK ऑनलाइन सपोर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस चैनल पर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पोस्ट करते रहता हूं जो आप सभी के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे जो है आप अपने YouTube चैनल को मिस्टर फैक्ट वाइज जैसा ग्रो करा सकते हैं, जल्दी से सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं, मिलियंस में आप व्यूज़ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर मैंने देखा कुछ चैनल पर ये वीडियो आए हुए हैं कि मिस्टर फैक्ट वाइज का जो यूट्यूब चैनल है वो किसी ने हैक कर लिया है, तो मैं भी शॉकिंग में रह गया। दोस्तों मैंने मैंशन किया था उनका चैनल डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर जब देखा तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इट्स अमेजिंग फैक्ट, इसे हेल्प करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर पता चल रहा है कि YouTube वाले को भी कॉन्टैक्ट इन्होंने किया है लेकिन वहाँ से अभी तक कोई हेल्प नहीं मिला है। तो मेरा मानना है कि अगर इन्होंने खुद ये गलती किए हैं तो इसको साइबर डिपार्टमेंट में हेल्प लेना चाहिए, वहाँ पर इनको कंप्लेन करना चाहिए। देखिए दोस्तों क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए किसी भी प्रकार का ईमेल आता है और दोस्तों आपको बोला जाता है कि आप हमारा इस वीडियो का प्रमोशन कर दीजिए या इस एप्लीकेशन का प्रमोशन कर लीजिए, हम आपको $200 देंगे या $250 देंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको उसका जो जीमेल है, जिस ईमेल से आपको ईमेल आया है वो देखिए कि क्या कोई एकदम ब्रांडेड जो कंपनी है उसके द्वारा ईमेल आया है या कोई भी जीमेल अकाउंट या फिर कुछ भी क्रिएट करके आपको मेल भेजा है। अगर आपको ऐसे करके भेजता है तो उसको आप इग्नोर कीजिए, उसको रिप्लाई तक ना दीजिए। और आप कभी भी अपने YouTube चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है या फिर अबाउट सेक्शन होता है वहाँ पे आप जिस ईमेल आईडी से अपना YouTube चैनल क्रिएट किया है उसको आप कभी भी मत दीजिए। एक आप बिजनेस पर्पज़ के लिए आप जो है एक नया जीमेल कॉन्टैक्ट आईडी बना के आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपको कोई ईमेल भेजता है उस आपके बिजनेस ईमेल पे भी और बोलता है कि हम CMS के द्वारा बोल रहे हैं, हम आपको हेल्प करेंगे आपके चैनल को ग्रो करने में या मोनेटाइज करने में, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी बात ना माने और किसी भी प्रकार का उसको एक्सेस ना दें। अभी हम बात करने वाले हैं मिस्टर फैक्ट वाइज जी के साथ क्या हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो में भी बताया गया है कि उनका चैनल जो हैक कर लिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि उनके पास जो है बताया जाता है कि हम CMS टीम से बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब आपका चैनल में हमें एडमिन बनाइए। आपको पता होगा जब आप YouTube चैनल के सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको एक चैनल एडमिन का जो ऑप्शन मिलता है, वहाँ पर दोस्तों अगर आप किसी का जीमेल आईडी अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपके चैनल का सारा एक्सेस वो ले पाता है। मतलब दोस्तों वो आपके जीमेल अकाउंट को डिलीट भी कर सकता है, चैनल को डिलीट भी कर सकता है। तो इनके साथ दोस्तों ये प्रॉब्लम हो गया है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, कभी भी दोस्तों आप किसी अनजान व्यक्ति को आप ऑनलाइन अपना जीमेल अकाउंट का आईडी पासवर्ड ना दें और ना ही दोस्तों यूट्यूब चैनल लॉगिन करके सेटिंग्स में जा करके कभी भी आप दूसरों को आप एडमिन ना बनाएं। अगर आप वहाँ पे एडमिन उनको बनाते हैं तो आपके चैनल के साथ वो छेड़खानी कर सकता है, जैसे मिस्टर फैक्ट वाइज के चैनल पर हुआ है। मिस्टर फैक्ट वाइज ने क्या किया था कि किसी पर्सन को CMS की टीम बताया जा रहा था कि हम आपके चैनल को मोनेटाइजेशन करवाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि उन्होंने वीडियो में बताया था कि चैनल हमारा मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, कुछ गलती है चैनल पर जिसके कारण चैनल हमारा मोनेटाइजेशन नहीं हुआ था। तो उनके पास कोई ईमेल वगैरह या कॉल वगैरह आया था जिसमें वो जो है अपना यूट्यूब चैनल को लॉगिन करके एडमिन सेक्शन जो होता है, एडमिन पैनल जहाँ पर होता है, वहाँ पर किसी और का जीमेल अकाउंट को ऐड कर दिया था और इनको बताया गया था कि आप जो है हमें एडमिन बनाइए और यहाँ से हम CMS के द्वारा आपके यूट्यूब
यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से उनको जो है धोखाधड़ी उनके साथ किया गया है। जैसे ही आप मान लीजिए किसी जीमेल को आप एडमिन बना देते हैं तो आपका चैनल का थंबनेल, आपका चैनल का वीडियो, आपका चैनल का सारा एक्सेस उसके पास चला जाता है। बाद में वो क्या करता है कि आपका चैनल का लोगो चेंज कर देता है, आपका चैनल का नाम चेंज कर देता है और आपके जो वीडियो हैं वो भी डिलीट कर देता है। आपके पास इसका एक्सेस तो रहेगा दोस्तों, लेकिन आप जो है उसको मतलब चेंज अगर करना भी चाहेंगे तब तक अगर आपको वहाँ से वो रिमूव कर देगा तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो सकता है। तो कभी भी दोस्तों आप अपने जीमेल अकाउंट में कभी भी किसी को भी आप एडमिन ना बनाएं। अगर आप एडमिन बना देते हैं तो आपका जीमेल अकाउंट का जो प्रोटेक्शन होता है वो उसके साथ चला जाता है उनके पास, और वो अपना मोबाइल नंबर चेंज करके या जीमेल को चेंज करके कुछ भी वहाँ पर वो कर सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेनिफिट के लिए आप किसी को भी अगर इस प्रकार से करते हैं कि आप सोचते हैं कि हम किसी को एडमिन बना देंगे, हमको बोल रहा है कि हमको चैनल प्रमोट करके देगा या फिर चैनल मोनेटाइज करके देगा। जो नए नए क्रिएटर्स होते हैं दोस्तों, जो छोटे छोटे क्रिएटर्स होते हैं आज के टाइम पर, अगर आप देखेंगे शॉर्ट्स चैनल के जो एडमिन होते हैं वो मैक्सिमम 15 साल 16 साल के लड़के होते हैं या 20 साल के आसपास के लड़के होते हैं, क्योंकि फैक्ट में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। देखा देखी में वो फैक्ट चैनल क्रिएट करते हैं और अच्छे से अच्छे एडिटिंग करके वो चैनल ग्रो कर लेते हैं, और उन्हीं को टारगेट किया जाता है और उनका चैनल फाइनली जो है हैक कर लिया जाता है। तो कभी भी दोस्तों आप किसी को भी अपने चैनल में एडमिन ना बनाएं। तो मिस्टर फैक्ट वॉइस जी को मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप बिल्कुल भी परेशान ज़्यादा ना हो, आप साइबर डिपार्टमेंट में जाइए और वहाँ पर जो भी आपके साथ लीगल इन्फॉर्मेशन है, जो जो घटना आपके साथ हुई है उसे आप साइबर डिपार्टमेंट को शेयर कीजिए और आपका चैनल को रिकवर करने में वो मदद करेंगे। उन सभी भाइयों से बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि आप भी YouTube पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी को भी आप अपने YouTube चैनल पर एडमिन क्रिएट ना करें। अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपके साथ कोई धोखाधड़ी करे। आज का ये वीडियो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इसके बारे में उन्हें भी पता चले। अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।